नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, वर्तमान की एक खबर है जो कि आप सभी के मध्य में वीडियो के माध्यम से रखेंगे। हाल ही के अंदर माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया एक आश्वासन है, वो आश्वासन भी आपके बीच में रखेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल रूप से ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। बीजेपी को इतना सपोर्ट करते हैं, पता नहीं उनके दिल दिमाग में क्या बसा हुआ है ओबीसी वालों के, कि उनका आरक्षण जा रहा है, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को कोई भी सरकारी सुविधा न मिलने के बावजूद भी ओबीसी वाले लोग क्यों इस बीजेपी सरकार का गुणगान करते हैं, हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जब बेसिक शिक्षा विभाग में जब भर्तियां हुई तो वहां पर ओबीसी का कोई कोटा नहीं था, सीधा 90 और 97 कट ऑफ दिया गया और पिछली भर्ती में 60 और 65 कट ऑफ दिया गया जो एससी और जनरल और ओबीसी के लिए था। तो इस तरह से जब कोटा समाप्त किया जा रहा है, जब सारे अधिकार उनके खत्म किए जा रहे हैं, जब माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी द्वारा जो कोटा उनका निर्धारित किया गया था 27%, उस पर डांगा डाला जा रहा है, इसके बावजूद भी ओबीसी समाज मौन क्यों है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और सर अंत में जी जी और सर अंत में मैं आपकी जो प्रस्तावना टिप्पणी है उस पर दो शब्द कहना चाहूंगा कि जिस तरह से शिक्षा मित्र इस समय अवसाद से ग्रसित है और वो अपना संयम नहीं समझ पा रहा है कि मेरा हित अनहित किस चीज में है, वो ये बात नहीं समझ पा रहा है। हम मानते हैं कि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए वो अद्वितीय है, अलौकिक है, उसकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है, इसके लिए आपको निराश नहीं होना है और इसके सुखद परिणाम आपको और हमें दोनों को निकट भविष्य में जरूर मिलेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं और ऐसी आशा भी रखते हैं। तो आप निराश ना हो, हमारे लोग समझ रहे हैं और जो लोग नहीं जुड़ते थे पहले अब जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और धीरे धीरे यह परिवार बढ़ने वाला है और हम अपने साथियों से यह निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप लोग प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे तक इस डिबेट में लाइव जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और यही एकमात्र चैनल है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो हम सभी से निवेदन करेंगे, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कि आप सभी लोग पूरा सहयोग कीजिए और कम से कम रात को 8 बजे से 9 बजे तक सभी लोग जुड़ने का कष्ट करें जिससे हम अपनी मंजिल तक अतिशीघ्र पहुंच सके। जी सर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। सीधा मैं विक्रम सिंह के पास, विक्रम सिंह, सबके बावजूद बस वही समस्याएं खड़ी हैं, पापी पेट का सवाल है। पेट में नहीं होगा अन्न तो नहीं लगेगा मन, न पढ़ाने में, न लिखाने में, न परिवार में। जेब में नहीं है पैसा, मेला लगे उदास, बहुत कहावतें हैं पुरानी, पैसा नहीं है पास, मेला लगे उदास, जेब में नहीं है धन, कहीं लगता नहीं मन, लगेगा कैसे, पैसे से ही तो सब कुछ है। आज कई जिलों में जुलाई अगस्त का मानदेय नहीं मिला तो कहीं जून से लेकर अब तक मानदेय नहीं मिला है, कैसे जाएगा स्कूल। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है, उन्हें फरमान की चिंता है, अधिकारियों को चिंता नहीं है। क्या वो अधिकारी नहीं समझते?